वही बाबा जी लाहौर का सबसे बड़ा स्टेशन रेलवे स्टेशन, जहाँ पर आज से पहले मैं कभी आया नहीं, मेरा पहला एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। भाई तो कोई चीज़ भी नहीं ली है, सीटें भी गंदी, हर चीज गंदी। वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग एंड वेलकम बैक टू माई चैनल। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे एंड फाइनली मैं रेडी हो गया। अभी बस मुझे मेरे शूज़ पहनने हैं एंड मेरा बैग और अपने रात को ही, पूरी रात मैंने अपने दोनों कैमरों की बैटरियाँ फुल की हैं। बैटरी फुल करके मैंने बैग में पैक कर दिया, कपड़े शपड़े हर चीज़ मैंने रख दिया बैग। अब सिर्फ निकलना है लाहौर में, दोस्त वेट कर रहा है, लाहौर से ही हमारी टिकट है। अभी खाना खाऊंगा, 9 बज के हैं, अबू मुझे छोड़ के आएंगे अड्डे पर, वहाँ से मैं बस लूँगा, लाहौर जाऊँगा दोस्तों के साथ मिलकर, स्टेशन पर जाऊँगा एंड ट्रेन की टिकट करवाई है। एक नई जर्नी, एक नया सफ़र मैं करने वाला हूँ आपके साथ शेयर। आई होप कि आपको अच्छा लगे एंड लाइक शेयर एंड कमेंट लाजमी करना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो। ठीक है, 3 बजे की हमारी ट्रेन है, आज 17 तारीख है और 17 तारीख 3 बजे ट्रेन वो निकलेगी एंड सुबह के 10 या 12 बजे मतलब 18 तारीख को कराची पहुंच जाएगी। पहली बार ट्रेन का सफ़र कर रहा हूँ, कभी नहीं किया पहले कभी, एंड हाँ टर्की में बहुत किया लेकिन पाकिस्तान का नहीं किया। अभी ये एक्सपीरियंस आपके साथ मैं शेयर करूँगा, आई तो देखते हैं। पीछे गड्डियां खड़ी नहीं मामा। ओ जी बाबा जी अपना सदका उतार दिया हूँ, अल्लाह पाक प्यार करे। सुबह सुबह जो मैं तो डैडी आ रहे हैं ना बाबा, एक बंदा थले आ चला मोटरसाइकिल, मैं चला सदका देता नहीं, खैर अल्लाह पाक प्यार करेगा यार। अभी ये हम रावी के पुल पर हैं और ये आप देख सकते हैं जुमे का दिन है, रश नहीं है इतना ज़्यादा, बहरहाल मज़ा आ रहा है गर्मी में। अच्छा यार अभी मैं इनसे बात कर रहा था कि बंदा डेली के कितने पैसे कमा लेता है, ये क्रीम यूज़ करते हैं आप, बाइक भी अगर आपके पास है या कार है या लोडर रक्षा है, आप कोई भी चीज़ इस्तेमाल में ले सकते हैं। अच्छा इसका तरीका कर क्या है, ये माशाल्लाह 3504 कह रहे हैं कि डेली के मैं कमा लेता हूँ ज़बरदस्त है, इससे अच्छा मेरे ख्याल से कोई काम हो ही नहीं सकता। अच्छा इसका तरीका कर क्या अप्लाई करने का, तरीका कार है गाड़ी के कागजात, ड्राइविंग लाइसेंस, CNIC। ठीक है, अगर गाड़ी बंदे की ना हो तो क्रीम वाले देते हैं कि नहीं? क्रीम वाले नहीं देते, किसी बंदे से रब्ता करके वेंडर ऐड करें। अच्छा सही है, गाड़ी का खर्चा वगैरह डेली का पेट्रोल का निकल आता है? निकल आता है शुक्र, ये सारा निकाल के 3504 माशाल्लाह अपना मान जाता है, माशाल्लाह ज़बरदस्त। स्टेशन आ गया तेरा, मेरे ख्याल से यार इससे
बेटर बिजनेस कोई नहीं है। और हमारा स्टेशन भी आ गया, सही बोला जिसने बोला कि जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या जमे ही नहीं, तो जो लाहौर के रश में जलील ही ना होया वो बंदा ही नहीं। चले ये आ गया हमारा स्टेशन, और अभी पता नहीं ट्रेन आई है कि नहीं, बाहर चल के देखते हैं क्या सीन आ गया। चलो जी कितने हो गए सर जी? तो जी बाबा जी अभी हम आ गए हैं स्टेशन पे, और अभी हम स्टेशन पे अंदर जाकर देखते हैं क्या सीन है। मैं और अरबाज, ये हमारे दो बैग, और वेलकम टू लाहौर। वही बाबा जी लाहौर का सबसे बड़ा स्टेशन, रेलवे स्टेशन, जहाँ पर आज से पहले मैं कभी आया नहीं, मेरा पहला एक्सपीरियंस है और काफ़ी अच्छा लग रहा है। जैसे बंदा किसी बच्चे को बाहर नहीं लेके आता पहली बार और उसको कितनी खुशी होती है, सेम मेरे भी वही हालत है। अच्छा लग रहा है, पहली बार ट्रेन में सफ़र करूँगा और क्या सीन है वो मैं आपको दिखाता हूँ। मैं अरबाज और नईम भाई, अभी वो ये आ गई है हमारी ट्रेन आ गई है, पता नहीं आपको आवाज़ आ रही है कि नहीं। अब इस ट्रेन में हम बैठेंगे, अंदर का सीन देखते हैं किस तरह का, और ये हमारा सीन। यार इतनी ज़्यादा गर्मी है ना, और बाकी आप ये देख ही सकते हैं क्या सीन है। सीटें भी गंदी, हर चीज़ गंदी और पैसे इन्होंने इतने ज़्यादा हमसे ले लिए। वाशरूम छट जो देखना है मैं बाहर नहीं। बाबा जी गर्मी चेक करें और पसीना चेक करें, अभी हमने सफ़र करना है। और ये आप देख सकते हैं बारिश का सही है, ज़बरदस्त है। वही 3 बजे हम बैठे थे लाहौर से, और अभी 5 बजे हैं, तकरीबन 5 बजे ट्रेन यहाँ पर पहुँची है फैसलाबाद, और ये फैसलाबाद का स्टेशन है। सही है माशाल्लाह, छोटा सा स्टेशन है लेकिन अच्छा है। अभी कुछ खाने पीने के लिए हम यहाँ से कुछ चीज़ लेंगे, पानी वगैरह या जो जो चीज़ हमने खानी है, ये आपको मैं स्टेशन दिखाता हूँ। शाबाश शाबाश भाई जी, भाई तो कोई चीज़ भी नहीं ली है फैसलाबाद। बाबा जी हॉर्न बज गया इस तो पहला कि ट्रेन चले चल अज साल कढ़ाई